हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आरआरबी अहमदाबाद का। तो आरआरबी अहमदाबाद का एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगने की चांस है 2021 में सीबीटी वन का नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में। यूआर का हो सकता है 58 से 62 के बीच में। ओबीसी का हो सकता है 54 से 58 के बीच में। एससी का हो सकता है 48 से 52 के बीच में। और एसटी का हो सकता है 44 से 48 के बीच में। और ईडब्ल्यूएस का हो सकता है 55 से 58 के बीच में। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने अगले आरआरबी पर, और है अपना आरआरबी अजमेर। तो आरआरबी अजमेर का हो सकता है यूआर का 58 से 62 के बीच में। ओबीसी का हो सकता है 51 से 55 के बीच में। एससी का हो सकता है 47 से 52 के बीच में। और एसटी का हो सकता है 44 से 48 के बीच में। और ईडब्ल्यूएस का हो सकता है 54 से 58 के बीच में। तो फ्रेंड्स, अभी हम देख रहे हैं कि 2021 में आपका एनटीपीसी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने लगने के चांस है, यानी कि क्या संभावना है। तो यही संभावना है फ्रेंड्स कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसी तरीके से रह सकता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अभी अगला आरआरबी है हमारे पास, आरआरबी इलाहाबाद। तो इलाहाबाद का यूआर का 63 से 68 के बीच में लगने की संभावना है। और ओबीसी का 55 से 60 के बीच में। और एससी का 50 से 55 के बीच में। और एसटी का 42 से 47 के बीच में। और ईडब्ल्यूएस का 60 से 65 के बीच में। अगला आरआरबी है फ्रेंड्स हमारा आरआरबी बेंगलोर। तो आरआरबी बेंगलोर का हो सकता है 55 से 60 के बीच में। ईडब्ल्यूएस का हो सकता है 50 से 54 के बीच में। और एससी का हो सकता है 45 से 50 के बीच में। और एसटी का हो सकता है 40 से 45 के बीच में। और ईडब्ल्यूएस का हो सकता है 52 से 60 के बीच में। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी एक अवश्य करें। फ्रेंड्स आगे बढ़ते और देखते हैं हमारे पास अगला आरआरबी है आरआरबी भोपाल। तो आरआरबी भोपाल के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। आरआरबी भोपाल का हो सकता है 2021 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनटीपीसी का सीबीटी वन का नॉर्मलाइज होने के बाद में। यूआर का हो सकता है 60 से 65 के बीच में। और ओबीसी का हो सकता है 56 से 60 के बीच में। और एससी का हो सकता है 51 से 54 के बीच में। और एसटी का हो सकता है 45 से 50 के बीच में। और ईडब्ल्यूएस का हो सकता है 58 से 62 के बीच में। ये लगने की संभावना है फ्रेंड 2021 में लगभग इतना ही रहने वाला है फ्रेंड्स, इससे कम जाएगा पर इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, अब अगला आरआरबी है हमारे पास आरआरबी भुवनेश्वर। आरआरबी भुवनेश्वर का यूआर का हो सकता है 59 से 64 के बीच में। ओबीसी का हो सकता है 56 से 60 के बीच में। और एससी का हो सकता है 45 से 50 के बीच में। और एसटी का हो सकता है 42 से 46 के बीच में। और ईडब्ल्यूएस का हो सकता है 56 से 60 के बीच में। अगला आरआरबी है हमारा आरआरबी बिलासपुर। तो आरआरबी बिलासपुर के बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो यूआर का हो सकता है वहाँ पर 56 से 60 के बीच में। और ओबीसी का हो सकता है 51 से 55 के बीच में। और एससी का हो सकता है 46 से 50 के बीच में। और एसटी का हो सकता है 45 से 48 के बीच में। और ईडब्ल्यूएस का हो सकता है 54 से 57 के बीच में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला आरआरबी है हमारा आरआरबी चंडीगढ़। तो आरआरबी चंडीगढ़ का हो सकता है यूआर का 58 से 62 के बीच में। ओबीसी का हो सकता है 50 से 54 के बीच में। और एससी का हो सकता है वहाँ पर 47 से 51 के बीच में। और एसटी का जा सकता है 41 से 44 के बीच में। और ईडब्ल्यूएस का जा सकता है वहाँ पर 56 से 60 के बीच में। अगला आरआरबी है फ्रेंड्स हमारा आरआरबी चेन्नई। तो आरआरबी चेन्नई में यूआर का कट ऑफ जा सकता है 2021 में एक्सपेक्टेड एनटीपीसी का सीबीटी वन का नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में। तो यूआर का वहां पर जा सकता है 55 से 60 के बीच में। और ओबीसी का जा सकता है 51 से 55 के बीच में। और एससी का जा सकता है 46 से 50 के बीच में। और एसटी का जा सकता है वहाँ पर 40 से 45 के बीच में। और ईडब्ल्यूएस का जा सकता है 53 से 56 के बीच में।
फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। IMP कोचिंग क्लासेस ऐसी ही वीडियो हमेशा लाते रहेंगे फ्रेंड्स आपके लिए। फ्रेंड्स, अब अगला RRB है हमारा RRB गोरखपुर। तो RRB गोरखपुर का हो सकता है UR का कट ऑफ 60 से 65 के बीच में, और OBC का हो सकता है 56 से 60 के बीच में, और SC का जा सकता है वहाँ पर 50 से 54 के बीच में, और ST का जा सकता है वहाँ पर 46 से 50 के बीच में, और EWS का जा सकता है 54 से 58 के बीच में। अगला RRB है फ्रेंड्स हमारा RRB गुवाहाटी। तो RR का कटअप लगने की संभावना है UR का 58 से 62 के बीच में, OBC का लगने की संभावना है वहाँ पर 52 से 56 के बीच में, और SC का जा सकता है 46 से 50 के बीच में, और ST का जा सकता है 44 से 48 के बीच में, और EWS का जा सकता है 56 से 60 के बीच में। अगला RRB है फ्रेंड्स हमारा RRB जम्मू श्रीनगर। तो RRB जम्मू श्रीनगर में UR का जा सकता है इस 2021 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ NTPC का नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में CBT1 का, UR का हो सकता है 59 से 63 के बीच में, और OBC का हो सकता है 46 से 50 के बीच में, और SC का जा सकता है 50 से 54 के बीच में, और ST का जा सकता है 36 से 40 के बीच में, और EWS का जा सकता है वहाँ पर 56 से 60 के बीच में। अगला RRB हमारा RRB कोलकाता। तो RRB कोलकाता में UR का कट ऑफ जा सकता है 58 से 63 के बीच में, और OBC का जा सकता है 56 से 60 के बीच में, और SC का जा सकता है 49 से 54 के बीच में, और ST का जा सकता है 54 से 48 के बीच में, और EWS का हो सकता है 58 से 62 के बीच में। अगला RRB है फ्रेंड्स हमारा RRB मालदा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और शेयर भी करें। अगर अच्छा लगे फ्रेंड्स तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और अगला हमारा RRB है RRB मालदा। तो मालदा का 2021 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ RRB NTPC का CBT1 का नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में UR का कट ऑफ लगने की संभावना है 50 से 55 के बीच में, OBC का लग सकता है 46 से 50 के बीच में, और SC का लग सकता है 42 से 54 के बीच में, और ST का 34 से 38 के बीच में, और EWS का 48 से 52 के बीच में फ्रेंड्स। अगला RRB है फ्रेंड्स हमारा RRB मुंबई। तो RRB मुंबई में UR का कट ऑफ लगने की संभावना है 63 से 68 के बीच में, और OBC का 55 से 60 के बीच में, और SC का हो सकता है 50 से 55 के बीच में, और ST का हो सकता है 45 से 50 के बीच में, और EWS का जाने की संभावना है 60 से 65 के बीच में। अगला RRB है फ्रेंड्स हमारा RRB मुजफ्फरपुर। तो RRB मुजफ्फरपुर में UR का लगने की संभावना है 51 से 55 के बीच में, और OBC का लगने की संभावना है 42 से 46 के बीच में, और SC का लगने की संभावना है 34 से 38 के बीच में, और ST का लगने की संभावना है 30 से 35 के बीच में, और EWS का लगने की संभावना है 48 से 52 के बीच में। अगला RRB है फ्रेंड्स हमारा RRB पटना। तो RRB पटना में लगने की संभावना है UR का 55 से 60 के बीच में, और OBC का हो सकता है इस 2021 में 46 से 50 के बीच में, और SC का लगने की संभावना है 42 से 46 के बीच में, और ST का लगने की संभावना है 35 से 40 के बीच में, और EWS का लगने की संभावना है 48 से 54 के बीच में। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, एक सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि हम और भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो ला सकें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं अगला RRB हमारा RRB रांची। आपका एक सब्सक्राइब फ्रेंड्स हमें बहुत ही मोटिवेट करता है फ्रेंड्स, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। देखते हैं अभी RRB रांची में कि आपका UR का कट ऑफ कितने जाने की संभावना है। UR का कट ऑफ लगने की संभावना है 50 से 55 के बीच में, OBC का लगने की संभावना है 46 से 50 के बीच में, और SC का लगने की संभावना है 42 से 46 के बीच में, और ST का लगने की संभावना है 44 से 48 के बीच में, और EWS का लगने की संभावना है 48 से 52 के बीच में।
अगला आरआरबी है फ्रेंड्स हमारा आरआरबी सिकंदराबाद। तो आरआरबी सिकंदराबाद का देखते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 में किस तरीके से लगने की संभावना है। तो यूआर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगने की संभावना है फ्रेंड्स आपका 58 से 62 के बीच में, और ओबीसी का हो सकता है 54 से 58 के बीच में, एससी का जा सकता है 48 से 52 के बीच में, और एसटी का जा सकता है 40 से 45 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस का जा सकता है 55 से 58 के बीच में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और अगला आरआरबी है हमारा आरआरबी सिलीगुड़ी। तो आरआरबी सिलीगुड़ी में आपका यूआर का कटअप जा सकता है 58 से 62 के बीच में, ओबीसी का जा सकता है 50 से 55 के बीच में, और एससी का जा सकता है 46 से 50 के बीच में, और एसटी का जा सकता है 40 से 45 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस का जा सकता है 55 से 60 के बीच में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और अगला आरआरबी हमारा आरआरबी तिरुवनंतपुरम। तो आरआरबी तिरुवनंतपुरम में यूआर का कट ऑफ जाने की संभावना है 60 से 65 के बीच में, और ओबीसी का जाने की संभावना है 58 से 62 के बीच में, और एससी का जाने की संभावना है 50 से 55 के बीच में, और एसटी का जाने की संभावना है 35 से 40 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस का लगने की संभावना है 54 से 58 के बीच में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हमने देख लिया अभी पूरे आरआरबी देख लिए फ्रेंड्स आपने। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप हम आपके लिए और भी ऐसे ही वीडियो ला सके। फ्रेंड्स अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।